एक बार एक दुबई का कुत्ता इंडिया आ गया। कुत्तों ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई, कहां से आए हो? कुत्ते ने कहा, दुबई से। तुम दुबई छोड़कर क्यों चले आए? तो कुत्ते ने जवाब दिया, वहां की हवा, पानी, मौसम, रहने खाने की सारी सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन भौंकने की जो आजादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है। एक मुर्गा बहुत जिद्दी था। वो अपने मालिक को बहुत परेशान करता था। मालिक ने तंग आकर एक दिन उसे टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। मालिक को फिर गुस्सा आया। इस बार उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, वो दोबारा पीछे से निकल गया। अब मालिक को इतना गुस्सा आया कि इस बार उसने मुर्गे को मारा, पकाया और फिर खाया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, वो फिर पीछे से निकल गया। ओ भाई क्या था ये? दो चूहे पेड़ पर बैठे थे। नीचे से एक हाथी गुजर रहा था। अचानक एक चूहा हाथी के ऊपर गिर गया तो दूसरा चूहा बोला, दबा कर रख साले को, मैं अभी आता हूँ। कौन बनाता है ऐसी कहानियाँ? एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मैं कैसे पैदा हुआ था? उसकी माँ बोली, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डालकर रख दी थी, कुछ दिन बाद तुम उसी में मिले। बच्चा ये सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। उसने भी चुपके से ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद जब उसने वो ढक्कन खोला तो उसमें एक कॉकरोच मिला। बच्चा गुस्से में बोला, दिल तो करता है कि तुझे चप्पल से मार दूं, लेकिन क्या करूं, औलाद जो है तू मेरी। ओ भाई। दो चूहे साइकिल पे कहीं घूम रहे थे। सामने से एक शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांग ली। चूहा बोला, सोच ले, कहीं बाद में तेरी मम्मी ये ना बोले कि गुंडों के साथ घूमता है। कुछ भी। शेरों के यहाँ शादी थी। तगड़ा वाला डांस चल रहा था। डांस में एक कुत्ता भी मस्त होकर नाच रहा था। अचानक एक शेर की नजर कुत्ते पे पड़ी और उसने पूछा, तू शेरों की शादी में कैसे आया? कुत्ता नाचते हुए बोला, भाई शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे।